हेलो गाइज, राम राम, कैसे हो आप? हेलो गाइज, राम राम, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आपको पता ही है क्या करने वाली हूँ, क्या करूँगी। खाना ही पकाने का काम होता है किचन में सबका। तो अभी मैं बना रही हूँ मेरे लिए टमाटर का भरता। तो अभी तवे पे बनाऊँगी, मैं तवे पे सेकूँगी। तो टमाटर को मैंने कट कर लिया है, एक और आधा टमाटर ही, इतना कि जितना मैं खा पाऊँ उतना ही बनाऊँगी। तो मैंने उनको तवे पे सेक लिया है। और साथ साथ ही मैं जीरा, ये भी साबुत जीरा भून के इसमें डालूँगी। तो गैस को तो मैंने बंद कर दिया, पर ये गर्म तवा है, इसी पे ये भून गया। तो ये मैंने डाल लिया है। और लहसुन की कलियाँ भी मैंने तवे पे सेकी थी, तो ये प्लेट में निकाल रखी है मैंने। अभी इसका थोड़ा ठंडा हो गया तो टमाटर का छिलका हटा लूँगी और इसको मैं सर से मेस कर लूँगी। चम्मच से कुछ किसी भी चीज़ से कर सकते हो आप, हाथ से भी कर सकते हो। तो अभी बड़ा आसानी से निकल जाता है, पर ये गर्म है अभी, थोड़ा हाथ जल रहा है। तो यहाँ पर तो मैंने यहाँ पे निकाल के इसको मैं सर से मेस कर लिया, चम्मच से कद्दूकस कर लिया था। इसमें डालूंगी मसर से मसाले में, और साथ ही जीरा और लहसुन की कलियाँ भी मिक्स कर दी थी। अभी इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची और नमक, बस ये जाएगा। और ऊपर से कच्चा प्याज डालूंगी। मैं धनिया डाल सकते, पर मेरे साथ पास में है नहीं अभी धनिया। तो धनिया डालने से टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। तो धनिया अभी है नहीं, तो ये मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि चम्मच से अच्छे से नहीं होता, तो इसलिए हाथ से आराम से सब एकदम से मिक्स हो जाता है। कोई लोग तो कच्चा तेल भी सरसों का डालते हैं, पर मैं आज तो नहीं डाल रही, कभी मन में होता तो डाल लेती हूँ। तो अभी मैं कर लिया, मेरी थाली लगा रही हूँ लंच की। तो ये मैंने दही डाल लिया है, और ये टमाटर का भरता और रोटी, सिंपल सा लंच रहेगा मेरा बस, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया मैंने, ये सब खाने को मन होता है, ज़्यादा कुछ खाने को मन नहीं होता। सुबह नाश्ता कर लिया था। तो ये मेरी आज की, तो अभी ये शाम का टाइम है। शाम को मैं चाय पीने के बाद में तैयारी कर रही हूँ। मेरा मन था कि आज मैं कुछ मीठा खाऊं, तो टाइम में शाम के टाइम में वॉकिंग जाती हूँ ना, तो मुझे इतना टाइम नहीं रहता, मैं जल्दबाजी में लगी रहती हूँ, आने के बाद तो थक जाती हूँ, पर वॉकिंग करना ज़रूरी है, मैं वॉकिंग ज़रूरी करती हूँ। तो ये मैंने सूजी को, दूध तो बाद में ले कर आऊँगी, पर मैंने सूजी को पानी में मिक्स करके भिगो दिया था। गुड़ गुड़ का पानी था, गुड़ को घोल के उसी में मिक्स करके रख दिया कि थोड़ा बहुत फूल जाए सूजी, वॉकिंग से आके बनाऊँ। तो अब वॉकिंग से आके इसको चेक कर रही हूँ। तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा नारियल का बुरादा, जो मार्केट में किराने की दुकान पे इजीली अवेलेबल होता है। और एक इसमें इलायची कूट के डाली थी, और ऑयल नहीं डाला मैंने, थोड़ा इसमें घी डाला है, एक दो चम्मच, कि जितना ऑयल भी डाल सकते हो आप, पर मैंने तो एक चम्मच घी डाला है। और इसको ये मैं घी डाल रही हूँ, और दो कटोरियों में इसी घी से मैंने ग्रीस कर लिया है। और साथ साइड में मैंने रखी है सब्जी छोंक के, और ये मीठा सोडा डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा, इससे हमारा मिनी केक लप्पी हो जाएगा, फूल जाएगा थोड़ा, और बढ़िया मस्त बन जाएगा। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करके कर रही हूँ। तो ये मैंने कर लिया है। अब इसको दोनों कटोरी में आधी आधी निकालूँ, क्योंकि एक कटोरी एक मेरे हस्बैंड के लिए, एक मेरे लिए, दो बस काफ़ी है। थोड़ा ज़्यादा मीठा खाने को मन होता है, थोड़ा सा खाने को मन होता है तो थोड़ा सा ही बनाती हूँ। तो ये मैं इसी जिस कढ़ाई में मैंने सब्जी छूक रखी है ना, उसी में रख दूंगी। तो ये साथ साथ ये पक जाएगा, एक पंथ तो काज हो जाएगा, साथ में सब्जी भी, और ये भी ज़्यादा झंझट भी नहीं होगा, और बड़ा मस्त बनाता। तो चलो मैंने ये चढ़ा दिया है, तो 10-15 मिनट हो गए हैं, स्लो फ्लेम पे था, तो अभी इसको चेक कर लेते हैं। पर ये
ये चाकू से चिपक रहा है, तो इसका मतलब कि ये पक्का नहीं है, अभी थोड़ा कच्चा ही है। तो थोड़ी देर के लिए उसको इसको ढक के फिर से और रखूँगी। सब्जी भी एकदम तैयार नहीं हुई, तो सब्जी के साथ साथ ये भी होता रहेगा। तो अभी चेक करते हैं फिर से। तो अभी हमारा केक रेडी हो गया। तो अभी इसको बाहर में निकालेंगे, और बाहर में निकाल के थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको कटोरी से अलग निकालेंगे प्लेट में। देखो कितना प्यारा कलर है, मेरा तो अभी खाने को मन कर रहा, आपका भी कर रहा होगा ना। तभी मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। देखो कितना प्यारा बना है, कितना टेस्टी देखने में ही लग रहा है ना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर लिया करो।